क्या टीपू फिर से बनेंगे सुल्तान? और ये सवाल पूछा जा रहा है यूपी के चुनावी मैदान में। कांग्रेस और बीएसपी दोनों से गठबंधन करके इस बार एक तीसरा प्रयोग कर रहे हैं अखिलेश यादव, और बीजेपी को उसकी ही रणनीति में मात देने की कोशिश में है। ये भीड़ है यहाँ पर जो अखिलेश यादव को देखने सुनने आई है। अखिलेश जी जरा वेव करिए, ये अखिलेश यादव हैं। अखिलेश जी एक बात बताइए, किस आधार पर आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार कह रहा है जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, आखिर वो कौन सा आधार है? ये चुनाव से पहले कार्यकर्ता और पार्टियां नारे बनाती है, लेकिन जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा हुआ है, जिनकी आय दोगुनी होनी थी वो आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों की आय दोगुनी नहीं, कमाई आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई, तो कैसे खुशहाली आएगी? नौजवान बेकार है, बेकारी बढ़ी है, नौकरियां कम हुई हैं, सरकारी संस्थाएं बिक गई हैं, तो आखिरकार रोजगार और नौकरी लिए क्या इंतजाम किया? जब ये कह रहे हैं कि देश हमारा नौजवान है, तो डबल इंजन की सरकार बताए कि इन नौजवानों के भविष्य के लिए क्या नौकरी और रोजगार का इंतजाम किया है? एक बात बताइए, अगर विरासत और विकास के साथ मोदी काम कर रहे हैं और उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निश्चित समय में बना दिया, एक तो आप क्रेडिट लेने की बात करते हैं कि भाई ये आपके कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ था, फिर आप दूसरा कहते हैं उनके बारे में जो टिप्पणी की है आपने कि बनारस आखिरी समय में रहने लायक है, बीजेपी कह रही है इस बात पर अखिलेश माफ़ी मांगे, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप अपना इलाज करवा लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता और देश और दुनिया की जनता वो चीज़ कैसे भूल जाएगी कि जहां माँ गंगा में हजारों लाशें बह रही थीं, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, आपका इलाहाबाद, उन्नाव, कन्नौज, जहां पर शमशान में लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए, और जिस समय जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरकार की थी, अस्पताल की ज़रूरत थी, बिस्तर की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तब ये सरकार कहां थी? अगर हज़ारों लाशें बही हैं गंगा में तो उसके पाप का भागीदार कौन है? जिस समय जनता को ज़रूरत थी उस समय अनाथ क्यों छोड़ा गया? और दूसरा सवाल, चाहे वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसका नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के, क्या अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का नहीं है? क्या लैंड एक्विजिशन 70% समाजवादी सरकार में नहीं है? क्या मैं तो यूपी देखता रहा हूँ, मैं ये बात मान रहा हूँ, बीजेपी अब इसको दूसरा टर्न दे रही है। आपको याद करिए प्रियंका गांधी वाली नीच राजनीति का बयान, आपको याद होगा 2014 का। सवाल वो नहीं है, सवाल ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये परंपरा है कि नहीं है कि गंगा में स्नान लेने के बाद सब पाप धुल जाते हैं? क्या ये परंपरा है कि नहीं है? क्या गंगा की परंपरा नहीं है? क्या वाराणसी की सच्चाई क्या है? आप गूगल उठा करके देखिए, क्या सच्चाई है बनारस की? बनारस किस लिए जाना जाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो कहा जाता है मुक्ति की नगरी, वो कह रहे कि लेकिन मुक्ति की बात नहीं है। आखिरी समय पर जब आप सरकार में जा रहे हो, सरकार का जब आखिरी वक्त है वहां, तो सरकार को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, और किसान भी, किसान पे याद आया, किसान आंदोलन खत्म हो गया। आप लोग एक बात कहते थे अजय मिश्र टेनी के बारे में, उनके बेटे के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो घटना हुई थी किसानों को रौदने की, वो यूपी पुलिस अपनी जांच में कह रही है कि सुनियोजित घटना थी। तो योगी सरकार ने तो जांच ठीक की ना, आपके आरोप तो गलत हुए। केवल नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सरकार को हटाना चाहिए? और यही बात विपक्ष और पूरी जनता कह रही थी, अगर दोषी है कोई, जान लेने, जिनकी हत्या हुई है, किसानों पे गाड़ी से कुचल दिया गया, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे जिन पे आरोप हैं, वो कम से कम साबित तो हुआ है, तो जांच तो सही दिशा में गई आप कह रहे हैं? और केवल एक जांच, और उत्तर प्रदेश में जो हत्या हुई इसी जौनपुर में कस्टोडियल डेथ हुई, 25,000 रुपये सिपाही पर इनाम घोषित हैं, 6 या 7 पर, कितने पकड़े गए? आपके गोरखपुर में एक व्यापारी को जांच में आया, परिवार लाती पहले जैसे ही किक किया उसी में जान चली गई, जिम्मेदार कौन है? आखिरकार ये खुली छूट हत्या करने की, जान लेने की किसने दी? अखिलेश जी आप जो कहते हैं ना, लाल, पीला, नीला, सारी टोपियां दिख रही हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं चुनाव लड़ते आप? ये किसने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? आप पार्टी के नाम पे थोप देते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ निर्णय पार्टी पे छोड़ने चाहिए। पार्टी तो आप ही हैं।
लेकिन हम अपने लोगों से राय तो लेंगे, क्योंकि मैं अभी लोकसभा में सांसद हूँ और कम से कम अपने लोगों से राय लूँगा। आजमगढ़ की जनता से पूछूंगा कि मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। अगर वो हाँ कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपके मन में क्या है? मन में ये है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो और ये सरकार जो है, जिसने दुख दिया है, तकलीफ दी है, ये सरकार हटे। एक सवाल और, दो सवाल बस मैं ये करना चाहूँगा कि आपने पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर BSP के साथ। आप खुद कहते हैं नया प्रयोग है, पर आपके गठबंधन सहयोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आपको नहीं लगता इनको समेटना बड़ा मुश्किल काम होगा सीटों के एडजस्ट? देखिए, ये गठबंधन करते करते कम से कम ये अनुभव है लोगों को साथ कैसे चलना है, और समाज के हिस्सा हैं ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जाति जनगणना हो उसके लिए लड़ रहे हैं, संविधान को कुचला जा रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनका साथ रहेगा और ये मजबूती के साथ खड़े हैं। तो नहीं है कि आखिरी वक्त पर पलट जाए? ये BJP के लोगों को घबराहट है कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि गठबंधन टूट जाएगा। उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं, न गठबंधन टूटने जा रहा है, और अपनी सुविधा के हिसाब से दूसरों के स्टेटमेंट ट्विस्ट ना करें। आपको इस बात का अफसोस है कि आपने कभी राहुल या प्रियंका के खिलाफ नहीं बोला, पर शुरुआत प्रियंका ने की? देखिए, राजनीति में जो मर्यादा है, जो दायरा है, उसके भीतर हम लोग काम करेंगे, वो एक मर्यादा और एक सीमा के बाहर हम समाजवादी लोग नहीं जा सकते। तो आपको लगता है प्रियंका ने वो मर्यादा तोड़ी? मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन समाजवादी लोग किसी मर्यादा में रहकर ही काम करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस से अलग आप क्या ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखना चाहते हैं? ये अभी राष्ट्रीय राजनीति क्या होगी वो अलग बात है, पहले उत्तर प्रदेश से इनको भगाने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ABP News, आपको रखे आगे।